प्रदेश की तरह सोलन में भी आईटीआई खुल चुके हैं। पहले दिन काफी कम संख्या में विद्यार्थियों ने कॉलेज का रुख किया। कोविड संकट के चलते केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए थे उन सभी का आईटीआई स्टाफ द्वारा अनुसरण किया गया ताकि कोरोना का प्रभाव आईटीआई पर ना पड़े। उन्होंने बच्चों को शिफ्टों में बुलाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, एहतियात के तौर पर सभी आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। आईटीआई सोलन के प्रधानाचार्य चमनलाल तनवर ने बताया कि विद्यार्थियों को दो शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है, बीच में कैंपस को सैनिटाइज भी करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि जिन 750 विद्यार्थियों की आखिरी परीक्षा होनी थी उन्हें कक्षाएं लगाने के लिए बुलाया गया है। बच्चों को सोशल मीडिया के माध्यम से कक्षाओं की जानकारी प्रदान की जा रही थी। विद्यार्थियों को आवश्यक सामान लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आईटीआई द्वारा विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। आज से जो कैबिनेट का डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार का आया था, तो आज से जो हमारे को जो नोटिफिकेशन भी कल आ गई थी पिछले कल, तो आज से 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो हमने जो बच्चों का अरेंजमेंट किया है वो इनको अपने स्पेस को अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने उनको शिफ्ट्स में डिवाइड किया है। तो जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है 7:30 से 12 बजे तक, उसके बाद आधा घंटा ब्रेक है जिसमें हमने सैनिटाइजेशन करना है, और जो इवनिंग शिफ्ट है वो 12:30 से शाम को 5 बजे तक रहेगी। तो ये जो स्ट्रेंथ है हमारी, जो आउटगोइंग बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम मतलब नवंबर के 2nd वीक 1st वीक में होने हैं, उन बच्चों की जो ट्रेनिंग है वो परफॉर्म करनी है प्रैक्टिकल्स, तो उनको हमने बैच वाइज शिफ्ट वाइज उनको डिवाइड किया। और वो जो टोटल स्ट्रेंथ है जो आउटगोइंग है हमारी 2 ईयर और 1 ईयर, वो करीबन 700 से 750 के मध्य है। तो हमने जो अपने स्पेस अवेलेबल है उसके मुताबिक उनका बैचेज बनाकर उनको उस बैचेज के हिसाब से हर फैकल्टी के हिसाब से उनको डिवाइड किया है हमने शिफ्ट वाइज। और उनके लिए तो आने जैसे बच्चे आएंगे तो उनको हमने उनके ग्रुप्स में डाला था कि उनको अवेयर किया था कि आप अपना अपना भोजन लंच, अपना सैनिटाइजर, अपना मास्क, अपनी फेस स्क्रीन, अपने ग्लव्स और अपनी वाटर बॉटल इवन अपने साथ कैरी करेंगे, किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेंगे। हमने संस्थान में हर यूनिट हर टेट के बाहर उनके सैनिटाइजेशन का, उनके थर्मल स्कैनिंग का और ऑक्सीमीटर भी हमने अपनी जो हमारी फार्मासिस्ट हैं यहाँ डिस्पेंसरी है उसमें अरेंज किया हुआ है। साथ ही किसी बच्चे में थोड़े से भी कोई सिम्टम पाए जाते हैं उसके लिए हमने एज पर दी मेडिकल डिपार्टमेंट की डायरेक्शंस के मुताबिक हमने 3 आइसोलेशन सेपरेट रूम भी हमने यहाँ पर बनाए हैं।